जितना काम हमको करना है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, तो सीधा सीधा अपने में ध्यान देंगे। स्वनिरीक्षण की बात शुरू में हमने की थी, तो ये स्वनिरीक्षण क्यों जीना है, कैसे जीना है को समझने में स्वनिरीक्षण कितना पावरफुल टूल है, धीरे धीरे हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा। मैंने पहले ये भी कहा था कि सारी किताबों को पढ़ने का एक ही मतलब है कि हमको आदमी को और नेचर को डायरेक्टली पढ़ना आ जाए, किताबों को पढ़ने का इतना ही मतलब है। और यहाँ हम डायरेक्टली आदमी को पढ़ने का, आदमी को पढ़ के समझने का, स्वनिरीक्षण पूर्वक अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी तक जितनी चर्चा हुई उसमें इस बात पे हमारा ध्यान चला गया। हाँ जी, सभी एक साथ बीच में। हम चलते हैं तो भी ध्यान पूर्वक, हम बोलते हैं तो भी ध्यान पूर्वक, हम देखते हैं आंखें खुली हैं और मेरा ध्यान कहीं और चला गया है, तो आंख के सामने जो है वो दिखाई देता है कि नहीं देता है? कभी कभी किताब पढ़ते रहते हो और कुछ और सोचने लगते हो, सामने अक्षर आंख तो खुली है। यदि आंख खुली है तो रेटिना के ऊपर सामने का चित्र पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ ही रहा है, देखने वाला गायब है तो कुछ दिखाई नहीं देता है। देखो जैसे यहाँ से हम निकल के बाहर तक गए, इसका मतलब आंख खुली थी, आंख खुली थी तो हॉल में जो भी कुछ था सबका चित्र रेटिना के ऊपर पड़ा है, लेकिन मुझको क्या दिखाई देता है? सब दिखाई देता है जो मैं देखना चाहता हूँ, तो जो मैं देखना चाहता हूँ उस सारे चित्र में से उतना ही दिखता है बस, बाकी के बारे पूछो क्या था पता नहीं, मेरा ध्यान, फिर मैं क्या बोलता हूँ, मैंने देखा नहीं कि मेरा ध्यान नहीं गया, मेरा ध्यान नहीं गया। इससे ये समझ में आया कि चाहे आँख है, चाहे नाक है, चाहे कान है, इसे बिना मुंह के बोल सकते हैं क्या? और बिना कान के सुन सकते हैं क्या? बिना मुंह के बोल सकते हैं क्या? बिना कान के सुन सकते हैं क्या? आप ज्यादातर समय यही करते हो, बिना मुंह के बोलते हो, बिना कान के सुनते हो। जैसे कान की जरूरत कब है? जब दूसरे को सुनना है। मुंह की जरूरत कब है? जब दूसरे को सुनाना है। जब खुद ही को सुनना है और खुद ही को सुनाना है, मैं अपने आप से बात करता हूँ, जब मैं अपने आप से बात करता हूँ तो सुनाई देता है कि नहीं? मेरे अंदर बातचीत चल रही है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, तो जब मैं अपने अंदर बातचीत चल रही है तो सुनाई देता है कि नहीं? अरे जब आप अपने आप को नहीं, आपके अंदर जब बातचीत चल रही होती है तो वो आपको सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई देता है। कान से सुनाई देता है क्या? नहीं। और जब वापस आप उसका जवाब देते हो, बोलते भी हो, इसका मतलब अपने आप से बात करने का मतलब है मैं जो बोलता हूँ वो सुनाई भी देता है और मैं उसका जवाब भी देता हूँ, तो मैं सुनता भी हूँ बोलता भी हूँ बिना मुंह के बिना कान के। कितने लोगों तक पहुँचा? ठीक। और मैं देखता भी हूँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि देखने वाला आँख खुली है और यदि मैं कहीं और सोच रहा हूँ तो मेरे को नहीं दिखाई देता है सामने क्या है। तो क्या बोलते हैं, आँख फाड़ के देखो कि ध्यान से देखो? ध्यान से देखो, ध्यान से चलो, ध्यान से बोलो। इसका मतलब सभी जगह में, जब तक ध्यान का मतलब मैं, जब तक मैं वहाँ नहीं हूँ तब तक कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए कहा कि टांग भी टूट गई, उस समय मैं वहाँ नहीं था, कुछ और सोच रहा था, उस बीच में टूट गई। तो जब तक मुझको मेरा ध्यान वहाँ पर नहीं जाता है तब तक दर्द का पता भी मुझको नहीं चलता है।
तो ये सारे एग्जाम्पल से धीरे धीरे हम ये डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, उस अंतर को महसूस कर पा रहे हैं कि मैं और शरीर दो अलग अलग एंटिटी है। मैं शरीर के माध्यम से व्यक्त होता हूँ लेकिन शरीर नहीं है तो भी मैं हूँ ही, इसको धीरे धीरे और समझेंगे। हमने ये भी अभी तक की चर्चा में पाया कि शरीर का जन्म होता है, ये हमने देखा है। शरीर बच्चा है, शरीर बूढ़ा है, शरीर जवान है, शरीर मर गया, ये भी हमने देखा है, ठीक है। लेकिन क्या कोई हम में से विलिंगली मरना चाहता है? जो 70 साल का है वो भी नहीं मरना चाहता। तो उसके पीछे कारण समझ में आया कि मैं ऐसी चीज ही नहीं हूँ जो मरती है, इसलिए मरने की स्वीकृति मुझ में आता ही नहीं है। मुझ में जीने की ही स्वीकृति आता है, मरने की स्वीकृति नहीं आता है। हाँ, शरीर मरता है ये स्वीकृति आता है। तो शरीर मरने वाली चीज है, मैं नहीं मरने वाली चीज हूँ, इस एहसास, ये अभी हमारे को थोड़ा सा तर्क में आता है, थोड़ा सा एहसास में आता है, लेकिन जैसे जैसे ये हमको स्थिर हो जाएगा, इसी को हमने कहा कि हाँ, मैं कोई अमर चीज है, धीरे धीरे इसको पहचानेंगे और आगे चलते हैं। जैसे ये मेल और फीमेल कौन है? मैं मेल और फीमेल हूं, मैं स्त्री और पुरुष हूं कि शरीर स्त्री और पुरुष है? शरीर स्त्री और पुरुष है, मैं ना स्त्री हूं ना मैं पुरुष हूं। हाँ, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही है। मैं स्त्री या पुरुष नहीं हूं, कैसे बोले इस बात को? ये जो मैं की सारी चाहत है, मैं की चाहत मतलब निरंतर सुख की चाहत, जैसे मैं बोलूं कि कौन पहले समझेगा, गोरा कि काला? तो ध्यान देगा, कौन पहले समझेगा, स्त्री के पुरुष? कौन पहले समझेगा, 20 साल का कि 80 साल का, 5 फुट का कि 6 फुट का? ठीक, इसका मतलब समझने के मामले में शरीर का कोई लेन देन नहीं है, शरीर से जुड़ी हुई चीज ये नहीं हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर मेल है या फीमेल है, शरीर 20 साल का है कि 80 साल का है, शरीर गोरा है कि काला है। तो शरीर कैसा भी है, बात निकल के आई कि ध्यान देगा तो समझेगा। इसका मतलब ध्यान देने वाली चीज कौन है, शरीर है कि मैं हूँ? मैं हूँ। और मेरी चाहत कैसी है? सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं, तो सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं, इसमें शरीर चाहता है कि मैं चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ। सभी मानव विश्वास के साथ जीना चाहते हैं, तो महिला ज़्यादा विश्वास के साथ जीना चाहती है कि पुरुष? दोनों। मैं सम्मान पूर्वक जीना चाहता हूँ, तो महिलाओं को ज़्यादा सम्मान की जरूरत है कि बच्चों को ज़्यादा जरूरत है कि पुरुष को ज़्यादा जरूरत है? सभी को। तो जो मैं की आवश्यकताएं हैं, समझ, विश्वास, सम्मान, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, भय से मुक्ति, है ना, असुरक्षा से मुक्ति, दुख से मुक्ति, इस रूप में स्त्री पुरुष सब समान है कि नहीं, इस रूप में हम सभी समान हैं। इससे ये पता चला कि मैं एक अलग एंटिटी हूँ, मैं एक अलग एकम हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर हमको माँ बाप से मिला है, शरीर हमको माँ बाप से मिला है, इसलिए शरीर का रंग रूप रोग माँ बाप से मिलता है। शरीर का रंग रूप रोग भी माँ बाप से मिलते हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो जेनेटिक्स पीछे से आती हैं, है ना, और किसी की शक्ल देख के पहचान लेते हैं उसका बेटा है, उसकी बेटी है। तो शरीर का रंग रूप रोग माँ बाप से मिलता है, लेकिन आचरण माँ बाप से मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आचरण, बच्चे का आचरण माँ बाप से बेहतर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या माँ बाप बहुत श्रेष्ठ आचरण के हैं इसका मतलब बच्चे भी उतने श्रेष्ठ आचरण के होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आचरण मतलब, अभी के लिए आचरण का मतलब है
धन के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति दृष्टिकोण और मानव और प्रकृति के साथ व्यवहार करने के लिए हमारा दृष्टिकोण, इसको अभी आचरण बोले। इसका मतलब है ये जो आचरण नाम की चीज है ये जीवन की मौलिकता है, ये माँ बाप से गर्भ से नहीं मिलता, जेनेटिकली आचरण ट्रांसफर नहीं होता। जेनेटिक्स क्या चीज है? जेनेटिक्स का इतना ही मतलब हुआ कि दो रसायन माँ बाप से मिले और माँ के गर्भ में दो रसायन मिलेंगे तो उससे क्या तैयार होगा? दो रसायन के मिलने से एक बच्चा भ्रूण के रूप में तैयार होगा। आचरण कौन सी चीज है? आचरण तो भाव है, आचरण तो समझ है। तो ये आचरण लिक्विड से होके नहीं आ जाता है ना? आचरण जीवन की मौलिकता है, वो जीवन की समझ है, उसको और चर्चा करेंगे। लेकिन अभी की चर्चा में क्या निकला, और आगे चलते हैं। तो ये तो पता चल गया कि बच्चा माँ बाप के संयोग से माँ के गर्भ में उपलब्ध होता है, पशु में भी होता है, मानव में भी होता है। फिर ये मैं कहाँ से आता है? ये मैं नाम की चीज ये माँ बाप से बनता है, ये माँ बाप से बनता है। जब मैं के बारे में बोला कि मैं में सोचने समझने की क्षमता असीम है, मैं की सारी आवश्यकताएं सीमित है कि असीम है? असीम है। मैं की सारी आवश्यकताएं असीम है, मैं की सारी क्रिया असीम है। क्रिया असीम का मतलब रात को सो जाते हैं तो विचार चलता है कि बंद हो जाता है? चलता है। तो विचार तो 24 घंटे चलता है। तो इससे पता चला कि मैं की सारी क्रिया निरंतर है, मैं की सारी चाहत निरंतर है, मैं की सारी आवश्यकता निरंतर है, मैं का जीना निरंतर है, क्योंकि वो निरंतर है। अमर है। इससे पता चला, ये भी पता चला कि शरीर भौतिक रासायनिक है और मैं नाम की चीज यदि भौतिक रासायनिक होती तो उसकी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, उसकी आवश्यकता निरंतर नहीं हो सकती, उसकी चाहना निरंतर नहीं हो सकती। इसका मतलब वो भौतिक रासायनिक नहीं है। यदि भौतिक रासायनिक नहीं है तो माँ बाप से पैदा नहीं हुआ। तो अभी के लिए जैसे अस्तित्व में बहुत सारे परमाणु हैं, लोहे का परमाणु है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, प्लैटिनम है और दुनिया भर के बहुत सारे 108 परमाणु हैं। जिस प्रकार अस्तित्व में बहुत सारे परमाणु उपलब्ध हैं उसी प्रकार एक और चीज उपलब्ध है, ये जीवन नाम की एंटिटी, ये मन नाम की एंटिटी। ठीक। और जब गर्भ में लगभग मानव गर्भ में 4.5 महीने के आसपास जब ब्रेन डेवलप हो जाता है तब कोई जीवन उसको चलाना शुरू कर देता है, कोई जीवन उस शरीर को स्वीकारता है। जीवन किसी शरीर को चलाता है, जीवन किसी शरीर को चलाता है तो वो ब्रेन के माध्यम से चलाता है। जैसे जैसे दो एग्जांपल लेते हैं। ये शरीर और ये ब्रेन और ये जीवन, तो शरीर की बात जब कर रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक शरीर है और ये जीवन है। ठीक है। तो दोनों को समझने के लिए कि दोनों का क्या मतलब है, तो एक तो ये कहा कि ये जीवन नाम की चीज है ना, ये नेचर में है, प्रकृति में है, इसको मानव ने नहीं बनाया है। और जब शरीर लगभग 4.5 महीने का हो जाता है, जब तक शरीर लगभग 4.5 महीने का हो जाता है, देखिए मेडिकल साइंस में भी 4.5 महीने तक शरीर को भ्रूण मानते हैं, फीटस मानते हैं। और 4.5 महीने के पहले यदि गर्भपात हो गया
बच्चा बाहर आ गया तो उसको अलग तरह से देखते हैं, 4.5 महीने के बाद उसको बच्चा मानते हैं। और गर्भ में अपनी माँ से बात करोगे तो आपको पता चलेगा लगभग 4.5 महीने के बाद बच्चा पेट में हाथ पैर चलाने लगता है और माँ का उसको फिजिकली पता चलता है, उसके लिए कोई अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, है ना। आजकल फिल्में आने लगी हैं बताने लगा बच्चे ने किक मारी, खुश हो के बच्चा किक मारता है ना, आजकल कुछ कुछ फिल्में आती हैं उसमें कुछ कुछ ऐसा बताते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि कोई गाड़ी चलेगी तो ड्राइवर है तब चलेगी कि अपने आप चलेगी, ड्राइवर है तब चलेगी। तो 4.5 महीने तक वो बच्चा गर्भ में, वो बच्चा नहीं है अभी, फीटस है, भ्रूण है ना, उसमें खून बहता है, बाकी काम हो रहे हैं, लेकिन जो जीवन नाम की चीज़ है अभी वो उसको चलाता नहीं है, इसलिए वो हिलता डुलता नहीं है। लगभग चूंकि वो उसको ब्रेन के थ्रू चलाएगा, है ना, तो जब तक 4.5 महीने में गर्भ में जो फीटस है, भ्रूण है, उसमें ब्रेन इतना विकसित हो पाता है कि कोई जीवन उसको चला सके, तो जीवन उसको चलाता है तो वो शरीर में हाथ पैर हिलना शुरू होता है। इसको माएँ बिना किसी अल्ट्रासाउंड के अपने आप ही क्लियरली पहचानती हैं कि हाँ अब बच्चा हाथ पैर मारने लगा है, पैर मारने लगा है, इसको माँ पहचानती है। तो 5.5 महीने 4.5 महीने के बाद वो बच्चा है, 4.5 महीने के पहले तक वो फीटस है, भ्रूण है। भ्रूण को क्या बोलते हैं गुजराती में, भ्रूण ही बोलते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ब्रेन क्या चीज़ है, ब्रेन क्या चीज़ है, शरीर और मेरे बीच में जो सूचनाओं के आदान प्रदान का तंत्र है उसका नाम ब्रेन है, है ना? मैं कुछ सोचता हूँ, इच्छा मुझ में है, इच्छा पूर्वक मैं इस शरीर को चलाता हूँ, इच्छा हुई तो शरीर के माध्यम से इच्छा हुई, है ना। देखो अभी के लिए, अभी समझने के लिए, इच्छा हुई, इच्छा पूर्वक मैंने विचार किया, विचार पूर्वक मन में उस बात को बोला, उसने ब्रेन को बोला, ब्रेन के माध्यम से फिर शरीर में एक्शन आगे हो रहा है, इतना काम होता है। इसको विस्तार से समझेंगे, पहले धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझेंगे। तो इसका मतलब है जब मैं की बात कर रहे हैं तो इसका नाम मैं है, ब्रेन की बात कर रहे हैं तो शरीर की सूचना मेरी इच्छा शरीर तक पहुंचाने के लिए मन के माध्यम से ब्रेन शरीर तक सूचना पहुंचाता है और शरीर की सूचना ब्रेन के माध्यम से मुझ तक आती है। तो क्या मतलब हुआ, ब्रेन की भूमिका क्या हुई, मस्तिष्क की भूमिका क्या हुई, दोनों के बीच में जो आदान प्रदान है ना, वो मस्तिष्क का काम है, कैसे करता है उसको धीरे धीरे और विस्तार से समझेंगे। देखो पहले शिविर का इतना ही मतलब है कि एक पूरा खाखा आ जाता है, बर्ड व्यू आ जाता है कि हाँ आप क्या बात कर रहे हैं। फिर दूसरे शिविर में वो खाखा थोड़ा सा और पूरा होता है, फिर आगे और तीसरे शिविर में चलते हैं तो एक बड़ी पिक्चर और आ जाती है। उसके बाद लगभग 12 बुक्स हैं जिसमें से कि और विस्तार से सारी फाइन डिटेल को समझते हुए हमको पूरी क्लैरिटी बनती है कि संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, तब हमारा ये काम किसी हद तक पूरा हुआ। फिर उसको अनुभूत करने का काम, रियलाइज करने का काम हर आदमी की अपने कैपेसिटी के साथ में होता है। तो मैं 2 एग्जांपल लेके इस बात को चर्चा करता हूँ कि कैसे ब्रेन मस्तिष्क, गुजराती में मस्तिष्क क्या बोलते हैं, मगज, मगज। तो मगज जो है ये भौतिक रासायनिक रचना है, ये शरीर का हिस्सा है ना, मगज शरीर का हिस्सा है। मन, मन को गुजराती में क्या समझते हैं, मन ही समझते हैं, है ना। तो मन जो है वो जीवन का हिस्सा है, वो भौतिक नहीं है, मगज भौतिक रासायनिक है, ऊपर से ट्रक निकल जाए तो पिचक जाएगा, ठीक। तो ये क्लैरिटी बनी तो मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल ये कि मच्छर ने काटा, दूसरा एग्जाम्पल किसी ने अपशब्द कहे, गाली दिया, तो दोनों का आदान प्रदान कैसे होता है। जैसे मच्छर ने काटा शरीर पे,
तो मुझको कैसे पता चलता है? मच्छर ने काटा, देखिए मान लीजिए पैर पे मच्छर ने काटा, तो पैर से जो तंत्रिका तंत्र है उसके माध्यम से सूचना ब्रेन तक गई, ब्रेन से वो सूचना जीवन को गई। एक तरीका ये भी है, हम कहें कि भाई कोई जीवन नहीं होता है, ब्रेन ही सब कुछ होता है, जैसा हम साइंस में मानते हैं, तो ब्रेन से ही आ गया कि भाई उसका क्या करना है। लेकिन अभी हम पूरा एग्जांपल ले रहे हैं कि सूचना ब्रेन तक गई, ब्रेन से वो सूचना मेरे पास आई और मैं फिर ब्रेन को बताऊंगा क्या करना है, फिर ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करेगा। आपको ये भी पता होगा कि मानव में पांच क्या करते हैं हम बात, पांच कर्मेंद्रियां और पांच ज्ञानेंद्रियां, सुना है? पांच ज्ञानेंद्रियां मतलब पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेंद्रियां, कितने लोगों को पता है ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? ज्ञानेंद्रियां गुजराती में ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, इंद्रियां बोलते हैं। देखो इसको इंद्रियां तो 10 हैं, उसमें से पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां क्यों बोलते हैं? जिनसे हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर कंप्यूटर होता है तो उसमें एक इनपुट सिस्टम है, एक आउटपुट सिस्टम है और ये प्रोसेसर है। वैसे ही इनपुट सिस्टम पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और आउटपुट सिस्टम पांच कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां अधिकांश को पता होता है, ज्ञानेंद्रियां मतलब आंख नाक कान जीवा और त्वचा, है ना, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, फाइव सेंसेस, ये लगभग सबको पता होता है। कर्मेंद्रियां 60-70% को पता नहीं होता है। कितने लोगों को पता है कि पांच कर्मेंद्रियां कौन सी होती है? देखो सन्नाटा हो गया, सन्नाटा है, सन्नाटा तुमको पता है? बोलो, नहीं आंख तो उसमें आ गया। हाँ जी बोलो बेटा, आप क्या बोलते हो, पता है तो बोलो। पांचों के पांचों तो नहीं पता, पर दो पता है, हाथ और पांव। देखो पांच कर्म ज्ञान, पांच कर्मेंद्रियों का मतलब है हाथ पैर, हाथ पैर बोलना, प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र। विसर्जन तंत्र, मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, ये भी एक कर्म है। प्रजनन तंत्र, ये भी एक कर्म है। बोलते हैं, ये भी एक कर्म है। हाथ और पैर से करते हैं, ये भी एक कर्म है। यदि दूसरी भाषा में कहें कि यदि इनपुट और आउटपुट सिस्टम काम कर रहा है तो शरीर स्वस्थ, इनपुट और आउटपुट ठीक से हो रहा है इसका मतलब शरीर स्वस्थ है। तो कैसे समझें? मच्छर काटा, ये किससे पता चला? कर्मेंद्रिय से कि ज्ञानेंद्रिय से? ज्ञानेंद्रिय से। ज्ञानेंद्रिय में किससे? स्पर्श। तो स्पर्श से सूचना ब्रेन को गई और ब्रेन में वो सूचना जीवन को गई। अब जीवन में स्मृति है,
देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बैठे होते हैं और हमको लगा ये पीछे मच्छर काट रहा है, अभी देखा नहीं, और उसका लाश देख के कितनी खुशी होती, निशाना ठीक लगा। तो इसका मतलब है जीवन में जितने भी तरह के एहसास हैं, सुखद दुखद, जैसे कोई एक तरह का चावल खाया, कोई एक तरह का ढोकला खाया, है ना, वो क्या था, हांडवी, आज हांडवी खाई, खांडवी खांडवी खांडवी, तो कोई कोई चीज का स्वाद हमारे भीतर, जैसे आपको भी ऐसा ध्यान में होगा, हमारे बचपन में जब हम गांव जाते थे तो जो आलू की सब्जी का स्वाद था और जो कढ़ी बनती थी और जो उड़द की दाल यहाँ भी बनती होगी, वो सारे स्वाद ही गायब हो गए जब से ये रासायनिक खाद और ये बीज और तमाम चीजें बदली, लेकिन वो स्वाद मेमोरी में आज भी है। तो इसका मतलब है जीवन में जितने भी ज्ञानेंद्रियों से हम सूचना लेते हैं, जितना भी हमको जिंदगी में सुखद लगा दुखद लगा, घटनाएं अपमान सम्मान उपलब्धियां, सब कोई स्मृति में एहसास के रूप में बनी रहती। तो जिसका मतलब है कि मच्छर काटने का भी जो एहसास है वो स्मृति में स्टोर्ड है। ठीक, अब सूचना ब्रेन तक गई, ब्रेन से जीवन तक गई, और अब जीवन की बारी आई, क्या करना है भाई। तो जिसको मच्छर काटा वो पक्का जैनी था, जैन आदमी था, अहिंसा परमो धर्म, ठीक। सॉफ्टवेयर, एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर उसमें है, अहिंसा परमो धर्म वाला सॉफ्टवेयर है। अब वो क्या करेगा, वो आदेश देगा कि उड़ा दो ताकि आगे भी उड़ता रहे। दूसरी बार में मच्छर का दुर्भाग्य था कि उसने जिसको काटा वो सरदार था। अब क्या होगा, वहां दूसरा सॉफ्टवेयर है, जो बोले सोनिया, गुड, तो उड़ा दो, और ये उसकी अंतिम उड़ान थी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, पढ़ते हैं दसवीं क्लास में तो आ जाता होगा। इसका मतलब मच्छर काटने जैसी घटना भी रिफ्लेक्स एक्शन है या बिल्कुल निर्णय पूर्वक किया गया काम है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि गर्म चीज पे हाथ लगाया, अपने आप से हाथ पीछे आ गया, तो ये है प्रतिक्रिया। कुछ चीजें हैं जो ब्रेन के लेवल पे एग्जीक्यूट हो जाती है, तो जितनी भी मैकेनिकल चीजें हैं उसमें जीवन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेन के लेवल तक भी कुछ चीजें हैंडल हो जाती हैं, जिसमें से रिफ्लेक्स एक्शन एक चीज है। लेकिन मच्छर के काटने से उस आदमी की मान्यता पूरी तरह से काम करती है कि मारना है कि उड़ाना है, और यदि मच्छर काट भी रहा है तो मेरे भीतर भाव और विचार की स्थिति उस समय क्या रहेगी। ऐसा नहीं कि मारना ही हिंसा है, यदि अपने भीतर भी हिंसा प्रतिक्रिया पैदा हुई तो हिंसा हो गई, यदि पक्का जैनी होगा तो ऐसा देखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस छोटी सी घटना में भी आदमी की मान्यताएं पूरी तरह से काम कर रही हैं, मान्यताएं शरीर में रहती हैं कि मान्यताएं जीवन में होती हैं, ये सोचने की बात है ना। तो देखो यदि आज भी संसार सबसे अधिक डरता है तो किसी विचार से डरता है, बम और मोबाइल से नहीं डरता है, विचार से डरता है। कार्ल मार्क्स ने एक विचार दिया, तमाम किसी और ने ताओ, वो क्या चीन का क्या था, माओ, माओवादी नहीं होते नक्सली, अभी आपने नहीं पढ़ा है, माओवादी, माओ का एक विचार था। तो इसका मतलब है कि यदि एक विज्ञान की धारणा
ये कहती है कि कोई मन और जीवन कुछ नहीं होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन में केमिकल लोचा होता है, उसकी वजह से भाव पैदा होता है। सुना है, पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, चलो सुना होगा कहीं। एक समानता दुनिया के सभी धर्मों में है, दुनिया के सभी धर्मों में एक समानता है कि वो शरीर से अलग किसी सत्ता को स्वीकार करते हैं जो शरीर को चलाता है। उसका नाम रूह है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम स्पिरिट है, उसका नाम कुछ और है। ये समानता सभी धर्मों में है। अब हमको ये पहचानना है, ऑब्जेक्टिवली पहचानना है, ऑब्जर्वेशन के साथ पहचानना है, अनुभूति पूर्वक पहचानना है कि भाई सच्चाई क्या है। तो तर्क पूर्वक ऑब्जर्वेशन के साथ हम चीजों को धीरे 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 समझेंगे। क्या चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे? कि मान्यता शरीर में रहती है कि जीवन में रहती है? यदि मान्यता ब्रेन में होती, यदि मान्यता ब्रेन में होती, ब्रेन मतलब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, वे शरीर में क्या तत्व होते हैं? शरीर में वही तत्व होते हैं जो 108 हम पढ़ते हैं। यदि मान्यता ब्रेन में होती है ना, तो फिर ये जैन मान्यता, बौद्ध मान्यता, एक ही आदमी एक शरीर यात्रा में कितने धर्म बदल सकता है? कितने चाहे उतने। मैं एक व्यक्ति से मिला, आप लोग में शिविर हो रहा था, मेरे को नहीं पता आप लोग कोई उसमें थे कि नहीं थे। उसमें सन्यासी आए, 80 साल के आसपास की उम्र होगी। वो इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे और वो जो कार्गो होता है, ये C-17 टाइप है ना, जो सामान लेके जाता है सेना का विमान, उसको चलाते थे। तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई, किसी समय में वो फ्लाइट लेके जा रहे थे और अचानक फ्लाइट का इंजन फेल हुआ। क्या हुआ? तो उन्होंने देखा कि सामने पहाड़ी है और अब ये विमान उससे ऊपर उठ ही नहीं सकता, तो जाके सीधी टक्कर मारेंगे। और उसमें इजेक्शन की सीट भी नहीं होती है, जो फाइटर रहता है उसमें यदि इस तरह का कोई खतरा आता है तो बटन दबा के सीट उसकी निकल जाती है। जो सामान ढोने वाले होते हैं और यात्री ढोने वाले होते हैं उसमें वो इजेक्शन की सीट नहीं होती, पायलट बाहर नहीं निकलता है। तो कुल मिला के मौत पक्की। तो ये स्वीकारते हुए कि अब मौत पक्की है, आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसे समय में आदमी बेहोश हो ही जाता है। कुछ देर बाद उनकी जब नींद वापस होश आता है तो देखा तो जिंदा हूँ। तो वो उनका फ्लाइट, वो प्लेन एक झील में पड़ा था, तो वो जो पहाड़ सामने था उसके पीछे में झील थी। अब उन्होंने कहा कि मेरा सारा टेक्निकल ज्ञान ये कहता है कि ये फ्लाइट जाके सीधी पहाड़ को टक्कर मारेगी, उठने की अब कोई संभावना उसमें नहीं थी क्योंकि इंजन फेल हो चुका था। अब ये कैसे ऊपर उठा और जाके झील में गिरा? तो बोले उस घटना के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया, एयरफोर्स से रिजाइन किया और फिर वो कहीं ना कहीं ईश्वर और परमात्मा और है ना कोई तो शक्ति है जो काम करती है, ऐसा उनका मन घूम गया। तो फिर उन्होंने अलग अलग धर्मों को पढ़ के देखा, तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री सुनाई कि उन्होंने चार धर्मों की किताबें नहीं पढ़ी। जब सिख धर्म को स्वीकारा तो सिख जीवन शैली को स्वीकारा, दाढ़ी भी बढ़ाई, केश भी रखे, कृपाण भी रखी और वो जीवन शैली को जिया। जो मुस्लिम या कोई और दूसरा धर्म स्वीकार किया तो बिल्कुल उसकी किताब नहीं पढ़ी, वैसा जी के देखा। ऐसे उन्होंने चार धर्म जिए, चार चार साल, पांच पांच साल जो भी किया होगा, और लास्ट में फिर वो सन्यासी थे और वो इस तरह से हमको मिले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, वो शाकाहारी से मांसाहारी हो जाता है आधे घंटे में। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, वो मांसाहारी से शाकाहारी हो जाता है। एक व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है, वो सुसाइडल बॉम्ब हो जाता है। एक व्यक्ति किसी के संपर्क में आता है, वो बढ़िया आदमी हो जाता है, घटिया आदमी हो जाता है।
तो आदमी के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव व्यक्ति का है, विचार का है या केमिकल का है? यदि हम ये मानते, यदि ऐसा होता कि मानव केवल ब्रेन से संचालित होता, और ब्रेन का मतलब केमिकल, यदि मानव केवल ब्रेन से संचालित होता, ब्रेन का मतलब केवल केमिकल है, तो सास बहू की लड़ाई का इंजेक्शन अलग होता, उत्साह की कमी का इंजेक्शन अलग होता, बोरियत का अलग होता, पति पत्नी के झगड़े का तो बिल्कुल अलग होता। तो इससे ये पता चलता है कि आज भी केमिकल काम नहीं करता है आदमी पे, विचार काम करता है, किसी का आचरण काम करता है। गांधी जी से मिलने वालों की संख्या तो बहुत कम थी, मेरे को लगता है दो बुक्स हैं जिन्होंने गजब का काम किया है। एक तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, वो शायद किसी ने पढ़ी होगी आप में से, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, क्रिया योग पद्धति की एक बढ़िया किताब है। उस अकेली किताब ने उस क्रिया योग की पद्धति को पूरे विश्व में स्थापित किया। और मेरे को लगता है दूसरा गांधी जी की बायोग्राफी। कोई भी जब जिंदगी में उसका क्वेश्चन खड़ा होता है ना, तो गांधी जी को पढ़ता ही है। तो मेरी जिंदगी में भी जब मैं जॉब छोड़ा तो गांधी जी को पढ़ा, और तमाम कहीं गांव मन को छू गया, जीवन की सार्थकता छू गई, सच्चाई छू गई। तो हम उस व्यक्ति से मिले नहीं हैं, लेकिन उसकी किताब भी इतना प्रभाव डालती है। किताब में कुछ लिखा ही तो हुआ है, आखिर ये किसी चीज का लिखा हुआ इतना प्रभाव क्यों डाल देता है? इससे ये सिद्ध होता है, देखो और भी अच्छे एग्जाम्पल हैं। ज्ञान किसकी जरूरत है? शरीर की जरूरत है। ज्ञान शरीर की जरूरत है, शरीर तो कोशिकाओं से, क्या कोशा कोश, शरीर तो कोश से मिलके बना है, तो कोश को कौन से ज्ञान की जरूरत है? है ना, मेरे जीने का पर्पस क्या है, ये तो कोश की जरूरत नहीं है। कोश की जरूरत होती तो पशु को भी जरूरत होती, तो कोश को जरूरत नहीं है। इसका मतलब है हिमालय में 30 साल से आदमी -20 डिग्री टेम्परेचर में पड़ा है, क्या चीज की तलाश में भाई? ये किसकी तलाश है? यदि मानव केवल शरीर होता तो वहां वो जिस चीज की तलाश में पड़ा है वो उसकी जरूरत ही नहीं है, है ना? दूसरों को न्याय दिलाने के लिए, दूसरों की जिंदगी में कोई बेहतर परिणाम लाने के लिए आदमी अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, उसको क्या मिलता है? शरीर को तो नुकसान ही है। मैं ही आपके साथ लगा रहा हूँ, नानू भाई पूरी जिंदगी लगाए हैं, और भी हमारे मित्र हैं, सारे दिन बोलना बोलना बहुत थकाने वाला काम है, बहुत ऊर्जा लगती है ऐसा बोलते हैं, पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो क्यों किया जाए? इसका मतलब है उससे कोई बड़ी चीज मिलती है, उससे कोई जो बड़ी चीज है, वो जो आत्मसंतोष है, वो जो जीवन की सार्थकता है, वो जो जीने का पर्पस है, वो जो दूसरे की आंखों में जो खुशी आती है, उसको देख के जो अच्छा लगता है, ये शरीर की आवश्यकता है, ये ब्रेन की आवश्यकता है कि मेरी आवश्यकता है? ये मेरी आवश्यकता है, ये शरीर की आवश्यकता नहीं है। ऐसा तमाम जब हम अपने में सोचने की प्रक्रिया को लगाते हैं, मानव में सोचने समझने की क्षमता है, पशु और मानव में इतना ही अंतर है कि मानव में सोचने समझने की क्षमता है, और खाने पीने में सोचने की क्षमता को लगाना सोचने की क्षमता का पूरा सदुपयोग नहीं है। खाने पीने में और कमाने में आदमी के पास सोचने की क्षमता कितनी है असीम? खाने पीने और कमाने में कितनी लगती है? असीम का छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद कितना बचता है? असीम में से कुछ भी माइनस किया असीम ही बचेगा। इसका मतलब है हमारी जिंदगी की असीम पूंजी जो नेचर ने हमको दिया है, जो प्रकृति ने हमको दिया है, असीम पूंजी हमारे पास है। इतना ऋण हमारे को मिला, इतना ऋण हमारे ऊपर है, और किया हमने कुछ नहीं, बैंक से पैसा ले लिया है अरबों रुपया और कर कुछ नहीं रहे हैं उसका, तो क्या होगा? ब्याज चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? ब्याज के मारे ही मर लोगे। तो इसका मतलब है जो ताकत हमको मिली है नेचर से,
सोचने समझने की ताकत है, वो सोचने समझने की ताकत का प्रयोग जब तक क्यों जीना है कैसे जीना है में नहीं लगेगा तब तक आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। और इसमें लगा के तृप्ति मिल गई इसका मतलब ये चीज इसी काम के लिए, इसका मतलब वो ताकत उसी काम के लिए दे गई थी। गाड़ी में पेट्रोल डाला गाड़ी चल गई, इसका मतलब सही चीज डाली है ना, पेट में भोजन डाला हम जिंदा रह गए, इसका मतलब सही चीज डाला। सारी जिंदगी विचार किया और दुखी हो गए, इसका मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब विचार का सही उपयोग किया कि दुरुपयोग किया, जैसा करना था वो तो नहीं किया बाकी सब ठीक है। इससे ये पता चला कि विचार की ताकत को प्रयोग किए बिना, अब जितनी बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस है कि अपने बारे में सोचना है, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसको सोचना है, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है कि ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। चाहिए नहीं, भाषा बदलो, सोचने समझने का सही इस्तेमाल करेंगे तो सुखी होंगे नहीं तो दुखी होंगे, चॉइस आपकी है, चाहिए वाहिए कुछ नहीं। शरीर हमें मां बाप से मिला है इसलिए रंग रूप उसके जैसा हो सकता है पर आचरण उसके जैसा हो यानी ये जरूरी नहीं है, उससे अच्छा भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है। मृत्यु शरीर की होती है मन अमर है क्योंकि शरीर हमें मां बाप से मिला है और नेचर मन हमें नेचर यानी कि प्रकृति से मिला है इसलिए उसकी वो अमर है। और मन की शरीर की शरीर की आवश्यकता सीमित है और मन की आवश्यकता असीमित है क्योंकि मैं यानी कि मन की चाहत और आवश्यकता निरंतर है इसीलिए मैं भी निरंतर। गुड, ये लॉजिक पकड़ा, क्यों उसको अमर बोल रहे हैं क्यों उसको निरंतर बोल रहे हैं, बढ़िया। और हाँ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे पीछे बेटा, पहले उनको ले लें, बहुत देर से बोल रहे हैं। जी जी थोड़ा माइक ऊपर कर रहा हूँ। अपनी चर्चा हुई कि अपनी मेमोरी स्मृति जो है वो जीवन में होती है, जीवन में भी है और फाइनली जब हम जी रहे होते हैं तो ब्रेन पे वो प्रोसेस्ड रहता है। अच्छा, तो ब्रेन में मेमोरी होती है। हाँ, मतलब यदि ब्रेन पे मेमोरी नहीं आएगी तो ये हमारा जीना जितना सिंक्रोनाइज्ड है वो हो नहीं पाएगा। तो ब्रेन की वो मेमोरी जीवन की स्मृति में टोटल मेमोरी है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा जुगाड़ है, उसका वो पार्ट जो मेरे अभी जीने के लिए आवश्यक है, जो मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आवश्यकता बनता है। जैसे आप देखो यदि आप किन्हीं लोगों से रोज़ मिलते रहते हो तो उनके नाम आपको याद रहते हैं, और कोरोना काल हो गया 8 महीने कुछ नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों के नाम भूलने लगे, तो जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है वो गायब होना शुरू हो जाता है। तो जिसको हम कह रहे हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस, तो जो कॉन्शियस माइंड है जो हमारी रोज़मर्रा की जीवन शैली है उतने की आवश्यकता वाली मेमोरी ब्रेन पे प्रोसेस्ड रहती है पैरेलल, उसके साथ हमारा जीना बनता है। मानवीय शरीर साथ में लेकर आता है मगर भाव और विचार साथ में लेकर नहीं आता। हाँ, साथ का मतलब शरीर का जो भी मामला है वो माँ बाप के साथ जेनेटिकली आता है, जन्म से हमको रंग रूप रोग मिल सकता है, जन्म से आचरण नहीं मिलता। उसमें हम चेंज कर सकते हैं वो पॉसिबल है, किसी का रूप रंग शरीर वो सब सब में भेद दिखता है मगर जो उसको समझ दूसरा बात। शरीर एक मशीन है, मन उसको चलाने वाला ऑपरेटर है, जो भाव और विचार रूपी उसमें पेट्रोल डाला जाए तो जिंदा रहना जीना हो सकता है। चलिए मान लेते हैं आपकी बात। हाँ जी, और मुझे ये क्वेश्चन में कंटिन्यूएशन थोड़ा करना था, मतलब जीवन का तो मैं ज्यादा समझ नहीं पाया हूँ और यह मानने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसीलिए उस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन ब्रेन में जब हम साइंस की तरफ से देखें तो उसमें कहा गया है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और ये भी सुना गया है कि मतलब कई लोगों ने ये प्रूव किया है कि ब्रेन में जो मेमोरी है वो कभी लूज नहीं होती, हम कभी कुछ भूल सकते नहीं है भले ही वो एक बहुत एक जगह पे वह चली जाए जहाँ से हम एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो रहती हर होती है। एक बार अगर मैं कुछ याद कर लूँ तो वो मैं भूल नहीं सकता।
क्या करेंगे, करना क्या है, इससे क्या निकला? नहीं तो ब्रेन की मेमोरी के बारे में मुझे वो क्वेश्चन। ठीक है, ब्रेन में मेमोरी होता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उम्र के साथ साथ देखो, जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे ही उम्र बढ़ती है और एक लेवल के बाद में मेमोरी श्रिंक होते, ब्रेन श्रिंक होता है, और बुढ़ापे में वो बचपने वाली मेमोरी उभर जाती है और जो वर्तमान वाली मेमोरी है वो लूज होती है। ये बुजुर्गों में कॉमन फैक्टर दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ब्रेन का अपने आप में एक केमिकल है ना, फिजिकल केमिकल रियलिटी है। यदि उसमें कम ज़्यादा होगा तो मेमोरी में कम ज़्यादा होगा। अभी हमारा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा हमारा इतना ही है कि मैं एक अलग एंटिटी है कि नहीं है, मानव केवल ब्रेन है और शरीर है, या कोई मैं नाम की एंटिटी है जो शरीर को, जो ब्रेन के माध्यम से शरीर को चलाता है, ब्रेन ही शरीर को चलाता है, या मैं ब्रेन के माध्यम से शरीर को चलाता हूँ, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, और कोई बात, और कोई चीज़ आपके ध्यान में आई? हाँ, मैं की चाहत निरंतर है और इसीलिए मैं निरंतर हुआ, और ब्रेन क्या है तो शरीर और मेरे बीच में जो आदान प्रदान करता है वो ब्रेन है। फिर मैं जीवन के किसके माध्यम से चलता है तो ब्रेन के माध्यम से चलता है, और जीवन ब्रेन के माध्यम से नहीं चलता। जीवन अपने सूचनाओं को, जीवन जो कहना चाहता है ब्रेन के माध्यम से शरीर से करवाता है। अभी जैसे आपने तय किया कि मेरे को बोलना है, ये किसने तय किया? जीवन ने तय किया, शरीर ने तय किया, मैंने तय किया, जीवन ने तय किया, मन ने तय किया। फिर तय किया तो फिर क्या किया? जो तय कर रखा था जीवन में उसको ब्रेन के माध्यम से मुँह से बोलना शुरू किया। तो तय भी मैं बोलना है, ये मैं निर्णय लेता हूँ, क्या बोलना है ये भी मैं निर्णय लेता हूँ, और जो बोलना है वो भी मैं ही बोलता हूँ, अपने मन ही मन बोलता हूँ, तो मुँह की जरूरत भी नहीं है। जब दूसरों को सुनाना है तो मुँह का प्रयोग कर लेता हूँ। मैं ही सोचता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, है ना, आवश्यकता अनुसार शरीर का प्रयोग करता हूँ। और ब्रेन हमारा प्रोसेसर है, और इनपुट पांच ज्ञानेंद्रिया है, और आउटपुट पांच कर्मेंद्रिया है। गुड। हाँ जी, माइक भेजिए। हेलो जी, ये तो समझ में आ गया कि जीवन माइंड को चलाता है, क्योंकि सबको एक जैसे माइंड मगज है, सभी एक वर्तन एक जैसे नहीं होते, इसलिए कुछ तो अलग है। पर मुझे यह समझ में नहीं आया कि जीवन अमर है, मरने की साहस नहीं होती हमको, तो जो आत्महत्या करते हैं उसको तो मरने की साहस होती है ना, तो उसका क्या होता है? तो फाइनली देखो, एक तरफ हम बोलते हैं आत्मा अजर है, अमर है, मरता नहीं है, फिर बोले आत्महत्या होती है, तो थोड़ा सा तो मरने की साहस होती है, तो कुल मिला के वो शरीर को मार के, अपने आप को शरीर को मार के उस समस्या से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा मान के कर लेता है। हुआ कुछ और उल्टा रहता है, और बड़ी समस्या गले पड़ गई होती, आवेश में ऐसा कर पाता है। हाँ जी, जितनी चर्चा मैंने आपके सामने की उससे क्या निष्कर्ष आप तक पहुंचा, उसमें कोई कंफ्यूजन है तो उसको बोलो। मुझे ये समझना है कि हम लोग पृथ्वी पर आते हैं तो अलग अलग भाषा सीखते हैं, मैं भी कोई एक भाषा सीखता हूँ, तो वो मैं सीखता हूँ ब्रेन से सीखता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है? देखो, फाइनली सीखने का काम मैं ही कर रहा हूँ, भाषा मैं ही सीखता हूँ, और मैं ही तय करता हूँ कि मेरे को सीखना है कि नहीं सीखना है। जैसे मेरा जन्म यूपी में हुआ, बचपन पूरा पंजाब में भी, हरियाणा और पंजाब में बीता, और दिल्ली में पढ़ाई, हरियाणा पंजाब दिल्ली और महाराष्ट्र में पढ़ाई हुई, और मैं काम करने के लिए छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में गया। लेकिन मेरा ऐसा प्रवृत्ति है कि मेरे को भाषाओं में रुचि नहीं है, मेरे को एक ही भाषा आती है, हिंदी। मैं कई सारी भाषाएं सीखूं ऐसी मेरी बहुत रुचि नहीं है। जैसे मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव की भी अपनी एक लोकल लैंग्वेज है, तो मेरे को उसमें भी कोई रुचि नहीं आती।
तो मेरे को एक भाषा मैंने सीख लिया, हिंदी में बोलता हूँ मैं, जैसा यहाँ बोलता हूँ वैसे ही घर में बोलता हूँ, वैसे ही बाहर बोलता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनकी भाषा को सीखने की प्रवृत्ति होती है और बहुत जल्दी कोई भाषा पकड़ लेते हैं। इसका मतलब है कि एक भाषा की जरूरत तो सबको है अपने आप को व्यक्त करने के लिए, लेकिन अब अन्य भाषाओं के प्रति आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी और कितनी आप जल्दी पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, ये सब आपकी जीवन की स्वीकृति पे निर्भर करता है कि वो क्या करना चाहता है। तो वो ब्रेन की मेमोरी में जाता है? नहीं, जीवन की ही मेमोरी पे, फाइनली जीवन में जाएगा। फिर ब्रेन जब भी वो यूज करेगा तो ब्रेन के माध्यम से प्रोसेस हो रहा है, लेकिन फाइनली जीवन में ही मेमोरी है। भाषा से लेके तमाम सारी चीज़ें, केवल कुछ चीज़ों को छोड़ दें जो बहुत शरीर से जुड़ी हुई हैं, है ना, भोजन का, भूख का, और ये कुछ कुछ चीज़ों का, गर्म ठंडा का, जो रिफ्लेक्स एक्शन वाली बात हम करते हैं, जो बहुत मैकेनिकल एक्शंस हैं, उनको छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें जीवन में चली जाती हैं। और फिर ब्रेन पे जितना काम कर रहे होते हैं उतनी मेमोरी ब्रेन पे प्रोसेस रहती है, इसलिए हम जीवन और शरीर मिलके बिल्कुल एक तालमेल में दिखाई देता है, नहीं तो वो एक तालमेल दिखना इतना आसान नहीं है। दो अलग अलग चीज़ होते हुए देखिए क्या अद्भुत नेचर का, क्या अद्भुत डिज़ाइन है। हम एक माँ से पैदा हो के जिंदगी भर झगड़ा करते हैं, हम एक माँ से पैदा हो के जिंदगी भर झगड़ा करते हैं, और नेचर का डिज़ाइन देखिए, जीवन और शरीर दो अलग अलग एंटिटी हैं, दो अलग अलग एकम है। शरीर माँ के गर्भ में तैयार हुआ, 4.5 महीने का जब उसमें ब्रेन विकसित हो गया तो कोई जीवन आके उसको चलाना शुरू करता है। उस जीवन की अपने संस्कार हैं, उसकी अपनी जर्नी है, यात्रा है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दो अलग इस तरह से एक हो जाती है कि जिंदगी भर उसकी चर्चा करने के बाद भी हवा नहीं लगता है कि ये कोई दो अलग अलग चीज़ें हैं। इतना एकरूपता, इतना आपस में सामंजस्य, इतना तालमेल। तो ये जो इतना तालमेल है, इसी को हमको क्लैरिटी से अपने में, ऑब्जर्वेशन से, ज्ञानपूर्वक इसी को देखना है कि ये दो अलग अलग रियलिटी है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता अलग है, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने का तरीका अलग है, दोनों के पूरा करने का सामान अलग है। इस बात पे ध्यान गया? तो रिकॉल होता है, कभी कभी हम लोग मेमोरी रिकॉल भी करते हैं, जैसे आपने आपने कहा कि वापस रिकॉल, थोड़ा माइक ऊपर कर लेते हैं, और रिकॉल भी हम लोग करते हैं कभी कभी, रिकॉल करते हैं। हाँ, तो वो मन करता है ब्रेन से, जीवन ही करता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है। ओके, रहता मन में ही है, रहता मन में ही है। जैसे सिंपल सी बात देखें, नेताओं को नाम याद रखने का अभ्यास होता है। जो भी पॉलिटिकल लोग मिलेंगे उनमें ये कॉमन क्वालिटी पाई जाती है कि वो हजारों लोगों को बाई नेम याद रखते हैं। आपके गांव में आएंगे, तुरंत आपका नाम लेके बोलेंगे, आपको लगता है यार मेरे को इतना याद रखा तो मैं भक्त हो जाता हूँ। नाम से किसी आदमी को याद रखना उसके साथ अपनेपन को व्यक्त करने का एक पावरफुल तरीका है। तो इसका मतलब है जिसने जिस चीज़ को महत्वपूर्ण माना है, मेमोरी के बारे कहते हैं ना किसी की मेमोरी, तो मेरी मेमोरी में क्या रहेगा जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं एक महीना भी बोलूँगा मेरे को कुछ भी किताब देखना नहीं पड़ेगा, मैं इसमें धारा प्रवाह जहाँ तक एक महीना दो महीना ऐसे चल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको इम्पोर्टेंट माना है। अब मेरे से कुछ और चीज़ें पूछोगे तो हो सकता है उसमें मेरा ध्यान नहीं है, वो मेरे को याद में नहीं रहता है। तो जिस मानव ने जिस चीज़ को महत्वपूर्ण माना है उसकी मेमोरी उसके पास रहती है। शरीर में रूप रोप रंग माँ बाप से मिलते हैं, आचरण भाव और समझ है। आचरण में धन के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष के प्रति दृष्टिकोण, मानव और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। शरीर भौतिक और रासायनिक है, जीवन ब्रेन के माध्यम से चलता है। सूचना का आदान प्रदान का तंत्र यानी भ्रूण, जीवन अमर है। 10 इंद्रिया है, उनमें 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेन्द्रिया है। उनमें इंद्रिया यानी आप इनपुट, उसमें आँख, कान, नाक और स्पर्श और जीभ का समावेश होता है। और 5 कर्मेंद्रिया यानी आउटपुट, उनमें हाथ, पैर, बोलना, प्रजनन तंत्र और विसर्जन का समावेश होता है। हाँ, बोलो। अभी तक हमने देखा
हमें जो इंद्रियों द्वारा जो इनपुट होता है उसका आउटपुट मेरे द्वारा यानी कि जीवन के द्वारा कर्मेंद्रिय द्वारा होता है, यानी कि जो जो जीवन चाहता है वो शरीर से करवाता है, मगर शरीर में कुछ कुछ क्रिया ऐसी है कि उसके ऊपर जीवन की भी नहीं चलती। जैसे कि मुझे मरना है तो मुझे पता कि अगर मेरा हृदय बंद हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मगर मेरी नहीं चलती, मैं नहीं कह सकता हृदय को भी बंद हो जा मुझे निकल जाना है, तो ये कौन करता है? गुड, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आज हम 6:30 बजे ऑफ कर रहे हैं, जैसी सूचना मुझको दी गई आपने कहा 6 बजे, हाँ 6:15 कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी बात करके देखो। आज हमने ये टॉपिक खोला है ना, क्या सती सारा कन्फ्यूज़न कितना है उसको ध्यान में दे ले। सारा कन्फ्यूज़न क्या है? जिंदा रहने को जीना मानना, शरीर को ही मैं मानना और शरीर की सेवा सारी जिंदगी करना, उससे मैं तो खाली का खाली रह गया। कैसा हो गया? मैं गाड़ी ले आया, सारी जिंदगी गाड़ी को धोया पोंछा पेट्रोल डाला मेंटेन किया, सारी जिंदगी मैं गाड़ी की सेवा किया, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा। तो गाड़ी मेरे लिए है कि मैं गाड़ी के लिए हूँ? मकान मेरे लिए है कि मैं मकान के लिए हूँ? शरीर मेरे लिए है कि मैं शरीर के लिए हूँ? जॉब मेरे लिए है कि मैं जॉब के लिए हूँ? पूरी जिंदगी मेरे पूरा 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 ये फैलाव सब कुछ, फाइनली मैं इससे क्या पाना चाहता हूँ? तो जब तक मेरी ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मानव का मतलब है तो मानव के बारे पता चला, इसको और धीरे धीरे ठीक से देखेंगे। मानव का मतलब जीवन और शरीर का, इसकी टेक्निकल जो शब्द यूज करेंगे, संयुक्त साकार रूप, दोनों का संयुक्त है, जॉइंट एक्सप्रेशन है, साकार रूप है। जीवन और शरीर के साथ साथ होने का नाम मानव है। जीवन नाम की चीज, जैसे अनेक प्रकार के परमाणु हैं, वैसे ही जीवन भी प्रकृति में है, जीवन भी प्रकृति में है। मैं जीवन हूँ, इस शरीर को चलाता हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा चलाता हूँ, जिस पर्पस, जो मेरी समझ है उस पर्पस के लिए चलाता हूँ। जैसे मेरे को समझ में आ गया नक्सली हो जाऊँ तो मैं नक्सली हो जाता हूँ, शरीर का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन जैसा चाहता है शरीर को चलाता है, शरीर मेल या फीमेल है, मैं ना मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ। हमारा इतना गजब का सम्मोहन है शरीर के साथ कि मैं, मेरा शरीर फीमेल है तो मैं अपने आप को स्त्री मानता हूँ, जबकि मैं स्त्री हूँ कि मेरा शरीर स्त्री है। हाँ बेटा ऐसे ही है, है? अच्छा अच्छा, और क्या बोलते हैं? स्त्री, मैंने स्त्री कहा, स्त्री फीमेल, जेंडर में नहीं जाना। तो देखिए, अब अपने आप को यदि ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा है, सीधे सीधे अपने आप को ऑब्जर्व करने का ज़्यादा है, जितना हम अपने आप पे ध्यान देंगे, अब कल सुबह तक जब आप लौट के आओगे, थोड़ा सा खाते पीते उठते बैठते सोते अपने आप पे ध्यान दो, है ना? ये भाव और विचार, मैं क्या हूँ? भाव और विचार, भाव और विचार स्त्री है कि पुरुष है? उधर छोड़ दो, उधर मत जाओ, है ना? भाव और विचार मेल है कि फीमेल है? भाव और विचार मेल फीमेल नहीं है। तो मैं ना मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ, मैं तो भाव और विचार हूँ, मैं तो समझ हूँ मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो सुखी होता हूँ मैं तो दुखी होता हूँ, ठीक है? ये शरीर मेल या फीमेल है, धीरे धीरे हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा। और ये लोगों में डायरेक्टली जब हम ऑब्जर्वेशन देंगे
तो जिन लोगों में अपने मेल और फीमेल होने की स्वीकृति जितनी ज़्यादा है वो उतना गहरे में मेल और फीमेल दिखाई देते हैं, जिनमें मेल फीमेल होने के बावजूद अपने जीवन होने की स्वीकृति ज़्यादा है वो आपको थोड़ा सा अलग तरह का फील होगा, है ना? ऑब्जर्वेशन दोगे तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान में आएंगी। जो बात अभी आपने कही उसको थोड़ा सा मेरे को लगता है ये एक्सरसाइज हम और कर लें, उन्होंने अच्छा मेरा ध्यान दिला दिया, इसको कर लें। देखो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल शरीर सापेक्ष हैं, एक तरह की क्रियाएं हैं जो शरीर सापेक्ष हैं, एक तरह की क्रियाएं हैं जो मानव सापेक्ष हैं, एक दूसरी तरह की क्रियाएं हैं सापेक्ष मतलब उससे जुड़ी हुई मानव के रूप में है, तीसरी क्रियाएं हैं जो जीवन सापेक्ष है। जैसे मानव सापेक्ष है जिसमें शरीर और जीवन दोनों का तालमेल है वो मानव सापेक्ष है, अकेला शरीर में जो हो रहा है वो बायोलॉजिकल है। जैसे नाखून का बढ़ना किसमें आएगा? शरीर। बाल का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, पाचन होना, ठीक। तो इससे हमको पता चला कि कुछ क्रियाएं हमारे भीतर ऐसी हैं, सांस का चलना। अब सांस चलने में अच्छी बात है कि सांस चलने में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है, अपने आप चलती रहती है, लेकिन मैं प्रयास पूर्वक रोक सकता हूँ। पलकों का झपकना अपने आप होते रहता है लेकिन मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ, ठीक। तो इससे ये भी पता चलता है कि दिल का धड़कना, इसको मैं रूटीन लाइफ में देखें तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ये हो रहा है, खून का बहना और तमाम। तो कुछ चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल है, जो शरीर की अपनी व्यवस्था है और वो शरीर की अपनी व्यवस्था चल रही है, उसको हम कह रहे हैं शरीर सापेक्ष। कुछ चीज़ें हैं जो जीवन सापेक्ष है, जैसे जो जीवन में हो रही है, जैसे विचार, इच्छा, संकल्प, समझ, उत्साह, स्नेह, विश्वास, ऐसे जितनी भी चीजें हैं ये सारी जीवन में हैं। समझ, ये सारी उधर है, शरीर है तो भी होता है और नहीं है तो भी होता है, उसको आराम से समझेंगे। मानव के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मानव के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा, कौन सी क्रिया आएगी? जैसे बोलना, मैं तय करता हूं कि ये बोलना है और शरीर से व्यक्त करता हूं। अब आप बताओ क्या क्या आएगा? और चलना, लिखना, खाना खाना, सोना, गुस्सा करना, चुगली खेलना, नहीं आएगा? चुगली मानव में आएगा कि जीवन में आएगा? मानव में आएगा। और घर बैठे बैठे किसी के बारे में बुराई सोचते रहना, वो जीवन में आएगा। तो देखना आप कब क्या कर रहे हो। तो इन तीनों घटनाओं से हम ये देख सकते हैं कि क्या मानव के रूप में हम कर रहे हैं, क्या शरीर में हो रहा है और क्या मुझ में हो रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। बढ़िया। अब इसमें बहुत बढ़िया ये तब होने वाला है जब आपकी मेहनत इसमें लगेगी, आपका ध्यान इसमें लगेगा। देखो दो लाइनें बोल के ब्रेक करता हूँ। अब 24 घंटे जो भी कुछ, जैसे शिविर के बाद ना हम कहेंगे कि भाई अध्ययन के बिना ये समझ में नहीं आता है। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन को बोला ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, हर समय मेरा रहता मन में। जैसे सिंपल सी बात देखें, नेताओं को नाम याद रखने का अभ्यास होता है। जो भी पॉलिटिकल लोग मिलेंगे उनमें ये कॉमन क्वालिटी पाई जाती है
कि वो हजारों लोगों को बाई नेम याद रखते हैं, आपके गांव में आएंगे तुरंत आपका नाम लेके बोलेंगे, आपको लगता है यार मेरे को इतना याद रखा तो मैं भक्त हो जाता हूँ। नाम से किसी आदमी को याद रखना उसके साथ अपनेपन को व्यक्त करने का एक पावरफुल तरीका है। तो इसका मतलब है जिसने जिस चीज़ को महत्वपूर्ण माना है, मेमोरी के बारे कहते हैं ना किसी की मेमोरी, तो मेरी मेमोरी में क्या रहेगा जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। मैं एक महीना भी बोलूँगा मेरे को कुछ भी किताब देखना नहीं पड़ेगा, मैं इसमें धारा प्रवाह जहाँ तक एक महीना दो महीना ऐसे चल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको इम्पोर्टेंट माना है। अब मेरे से कुछ और चीज़ें पूछोगे तो हो सकता है उसमें मेरा ध्यान नहीं है, वो मेरे को याद में नहीं रहता है। तो जिस मानव ने जिस चीज़ को महत्वपूर्ण माना है उसकी मेमोरी उसके पास रहती है। शरीर में रूप रोप रंग माँ बाप से मिलते हैं, आचरण भाव और समझ है। आचरण में धन के प्रति दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष के प्रति दृष्टिकोण, मानव और प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण। शरीर भौतिक और रासायनिक है, जीवन ब्रेन के माध्यम से चलता है। सूचना का आदान प्रदान का तंत्र यानी भ्रूण जीवन अमर है। 10 इंद्रिया है, उनमें 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया है। उनमें इंद्रिया यानी इनपुट, उसमें आँख कान नाक और स्पर्श और जीभ का समावेश होता है। और 5 कर्मेंद्रिया यानी आउटपुट, उनमें हाथ पैर बोलना प्रजनन तंत्र और विसर्जन का समावेश होता है। बोलो। अभी तक हमने देखा मैं जो इंद्रिय द्वारा जो इनपुट होता है उसका आउटपुट मेरे द्वारा यानी कि जीवन के द्वारा कर्मेंद्रिय द्वारा होता है, यानी कि जो जो जीवन चाहता है वो शरीर से करवाता है। मगर शरीर में कुछ कुछ क्रिया ऐसी है कि उसके ऊपर जीवन की भी नहीं चलती। जैसे कि मुझे मरना है तो मुझे पता कि अगर मेरा हृदय बंद हो जाएगा तो मैं मर जाऊँगा, ठीक है, मगर मेरी नहीं चलती, मैं नहीं कह सकता हृदय को भी बंद हो जा मुझे निकल जाना है, तो ये कौन करता है? गुड। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आज हम 6:30 बजे ऑफ कर रहे हैं, जैसी सूचना मुझको दी गई आपने कहा 6 बजे, 6:15, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी सी बात करके देखो। आज हमने ये टॉपिक खोला है ना, क्या स्थिति, सारा कन्फ्यूजन कितना है उसको ध्यान में दे लें। सारा कन्फ्यूजन क्या है? जिंदा रहने को जीना मानना, शरीर को ही मैं मानना और शरीर की सेवा सारी जिंदगी करना, उससे मैं तो खाली का खाली रह गया। कैसा हो गया? मैं गाड़ी ले आया, सारी जिंदगी गाड़ी को धोया पोंछा पेट्रोल डाला मेंटेन किया, सारी जिंदगी मैं गाड़ी की सेवा किया, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा। तो गाड़ी मेरे लिए है कि मैं गाड़ी के लिए हूँ? मकान मेरे लिए है कि मैं मकान के लिए हूँ? शरीर मेरे लिए है कि मैं शरीर के लिए हूँ? जॉब मेरे लिए है कि मैं जॉब के लिए हूँ? पूरी जिंदगी मेरे पूरा 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 ये फैलाव सब कुछ, फाइनली मैं इससे क्या पाना चाहता हूँ? तो जब तक मेरी ये क्लैरिटी नहीं होगी कि मानव का मतलब है, तो मानव के बारे पता चला, इसको और धीरे धीरे ठीक से देखेंगे, मानव का मतलब जीवन और शरीर का, इसकी टेक्निकल जो शब्द यूज करेंगे, संयुक्त साकार रूप, दोनों का संयुक्त है, जॉइंट एक्सप्रेशन है, साकार रूप है, जीवन और शरीर के साथ साथ होने का नाम मानव है। जीवन नाम की चीज, जैसे अनेक प्रकार के परमाणु हैं, वैसे ही जीवन भी प्रकृति में है, जीवन भी प्रकृति में है। मैं जीवन हूँ, इस शरीर को चलाता हूँ, जैसा चाहता हूँ वैसा चलाता हूँ, जिस पर्पस, जो मेरी समझ है उस पर्पस के लिए चलाता हूँ। जैसे मेरे को समझ में आ गया नक्सली हो जाऊँ तो मैं नक्सली हो जाता हूँ, शरीर का इस्तेमाल करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जीवन जैसा चाहता है शरीर को चलाता है, शरीर मेल या फीमेल है, मैं ना मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ। हमारा इतना गजब का सम्मोहन है शरीर के साथ कि मैं, मेरा शरीर फीमेल है तो मैं अपने आप को स्त्री मानता हूँ, जबकि मैं स्त्री हूँ कि मेरा शरीर स्त्री है। हाँ बेटा ऐसे ही है, है? अच्छा, और क्या बोलते हैं? स्त्री, मैंने स्त्री कहा, स्त्री फीमेल, झंझट में नहीं जाना। तो देखिए, अब अपने आप को यदि ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा है, सीधे सीधे अपने आप को ऑब्जर्व करने का ज़्यादा है, जितना हम अपने आप पे ध्यान देंगे, अब कल सुबह तक जब आप लौट के आओगे, थोड़ा सा खाते पीते उठते बैठते सोते अपने आप पे ध्यान दो, है ना? ये भाव और विचार, मैं क्या हूँ? भाव और विचार, भाव और विचार स्त्री है कि पुरुष है? उधर छोड़ दो, उधर मत जाओ, है ना? भाव और विचार मेल है कि फीमेल है? भाव और विचार मेल फीमेल नहीं है। तो मैं ना मेल हूँ ना मैं फीमेल हूँ, मैं तो भाव और विचार हूँ, मैं तो समझ हूँ, मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो सुखी होता हूँ, मैं तो दुखी होता हूँ, ठीक है? ये शरीर मेल या फीमेल है, धीरे धीरे हमारा ध्यान इस बात पे जाएगा। और ये लोगों में डायरेक्टली जब हम ऑब्जर्वेशन देंगे, तो जिन लोगों में अपने मेल और फीमेल होने की स्वीकृति जितनी ज़्यादा है, वो उतना गहरे में मेल और फीमेल दिखाई देते हैं। जिनमें मेल फीमेल होने के बावजूद अपने जीवन होने की स्वीकृति ज़्यादा है, वो आपको थोड़ा सा अलग तरह का फील होगा। ऑब्जर्वेशन दोगे तो आपको बहुत सारी बातें ध्यान में आएंगी। जो बात अभी आपने कही उसको थोड़ा सा, मेरे को लगता है ये एक्सरसाइज हम और कर लें, उन्होंने अच्छी अच्छा मेरा ध्यान दिला दिया, इसको कर लें। देखो कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल शरीर सापेक्ष हैं, एक तरह की क्रियाएं हैं जो शरीर सापेक्ष हैं, एक तरह की क्रियाएं हैं जो मानव सापेक्ष हैं, एक दूसरी तरह की क्रियाएं हैं, सापेक्ष मतलब उससे जुड़ी हुई मानव के रूप में है, तीसरी क्रियाएं हैं जो जीवन सापेक्ष है। जैसे मानव सापेक्ष क्या है? जिसमें शरीर और जीवन दोनों का तालमेल है वो मानव सापेक्ष है। अकेला शरीर में जो हो रहा है वो बायोलॉजिकल है। जैसे नाखून का बढ़ना किसमें आएगा? शरीर। बाल का बढ़ना, हाइट का बढ़ना, पाचन होना, ठीक। तो इससे हमको पता चला कि कुछ क्रियाएं हमारे भीतर ऐसी हैं, सांस का चलना। अब सांस चलने में अच्छी बात है कि सांस चलने में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है, अपने आप चलती रहती है, लेकिन मैं प्रयासपूर्वक रोक सकता हूँ। पलकों का झपकना अपने आप होते रहता है, लेकिन मैं चाहूँ तो रोक सकता हूँ, ठीक। तो इससे ये भी पता चलता है कि दिल का धड़कना, इसको मैं रूटीन लाइफ में देखें तो हम इसको रोक नहीं सकते हैं, ये हो रहा है, खून का बहना और तमाम। तो कुछ चीज़ें हैं जो बायोलॉजिकल है, जो शरीर की अपनी व्यवस्था है, और वो शरीर की अपनी व्यवस्था चल रही है, उसको हम कह रहे हैं शरीर सापेक्ष। कुछ चीज़ें हैं जो जीवन सापेक्ष है, जैसे जो जीवन में हो रही है, जैसे विचार, इच्छा, संकल्प, समझ, उत्साह, स्नेह, विश्वास, ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जीवन में हैं। समझ ये सारी उधर है, शरीर है तो भी होता है और नहीं है तो भी होता है, उसको आराम से समझेंगे। मानव के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मानव के लिए बोलेंगे तो क्या आएगा, कौन सी क्रिया आएगी?
जैसे बोलना, मैं तय करता हूँ कि ये बोलना है और शरीर से व्यक्त करता हूँ। अब आप बताओ क्या क्या आएगा, और चलना, लिखना, खाना खाना, सोना, गुस्सा करना, चुगले चुगले खेलना, नहीं आएगा? चुगले चुगले मानव में आएगा कि जीवन में आएगा? मानव में आएगा। और घर बैठे बैठे किसी के बारे में बुराई सोचते रहना, वो जीवन में आएगा। तो देखना आप कब क्या कर रहे हो। तो इन तीनों घटनाओं से हम ये देख सकते हैं कि क्या मानव के रूप में हम कर रहे हैं, क्या शरीर में हो रहा है और क्या मुझ में हो रहा है, ऐसा हम देख सकते हैं। बढ़िया, अब इसमें बहुत बढ़िया ये तब होने वाला है जब आपकी मेहनत इसमें लगेगी, आपका ध्यान इसमें लगेगा। देखो दो दो लाइनें बोल के ब्रेक करता हूँ। अब 24 घंटे जो भी कुछ, जैसे शिविर के बाद ना हम कहेंगे कि भाई अध्ययन के बिना ये समझ में नहीं आता है। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन को बोला ज्ञान की रोशनी में क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, हर समय मेरा ध्यान उस पर बना रहे। जैसे मैंने बोला था ना, रोड है, अंधेरी रोड है, तो मेरे को लाइट मिल गई है, तो उस लाइट की रोशनी में मैं 24 घंटे ध्यान देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो अब आप देखो 24 घंटे आपके भीतर क्या चल रहा है। आपके भीतर विचार चलते ही हैं। क्या आप अपने विचार पे ध्यान दे सकते हो कि ये विचार जिंदा रहने का है कि जीने का है, सार्थक है कि निरर्थक है, ये ध्यान जा सकता है आपका? ठीक है, ये जो विचार है ये आपको ऊंचा दे जाएगा कि नीचे गिराएगा, ध्यान दे सकते हो? ठीक है। अब आप बोल रहे हो, तो बोलते समय ये शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए है कि जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए है या निरर्थक है, ये पहचान सकते हो? अब जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ 24 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, तो मैं दे सकता हूँ कि ये शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए। जैसे खाना खाया तो किसकी आवश्यकता पूर्ति हुई? शरीर की हुई। घर की साफ सफाई शरीर के लिए, कमाने खाने का सारा जुगाड़ शरीर के लिए, और मेरा मेरे लिए क्या करता हूँ? शिविर करता हूँ, है ना? ये शिविर में हम किसकी आवश्यकता पूर्ति का काम करते हैं? ये जीवन की आवश्यकता पूर्ति का, मन की आवश्यकता पूर्ति का काम करते हैं। ऐसा हर समय मैं अपने में देख सकता हूँ कि मैं जीवन की आवश्यकता पूर्ति का काम कर रहा हूँ कि शरीर की आवश्यकता पूर्ति, दोनों की आपूर्ति का काम नहीं कर रहा हूँ तो निरर्थक काम कर रहा हूँ, और वो आपको नीचे की ओर ले जाएगा।